नमस्कार, मैं हूं साहब अली और आप देख रहे हैं livecity.in। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। दीपांकर भट्टाचार्य पटना में भाजपा हराओ देश बचाओ रैली में शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, CBI से लेकर के देश में बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि अब जो है जनता इस सरकार के बारे में जान चुकी है, समझ चुकी है। आप सुनिए कि दीपांकर भट्टाचार्य क्या कुछ कह रहे हैं। पिछले महीने 27 तारीख को हमने एक रैली की थी गांधी मैदान में, तो उसमें भी पूरे देश के वामपंथी आंदोलन के लोग शामिल थे। आज भी CPI की रैली है, उन्हें हमें आमंत्रित किया है तो हम रहेंगे। हम समझते हैं कि पूरे देश में ये माहौल बन रहा है और अभी जिस तरह से रफाल की चोरी पकड़े जाने के बाद CBI को एक तरीके से वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा था कि पिंजरे का तोता है, तो तोता पिंजरा तोड़ने का जब खतरा दिख रहा था तो उन्होंने फिर CBI को जिस तरह से कब्जा कर लिया, तो मैं समझता हूँ इससे देश में बात और ज़्यादा स्पष्ट हो गई है कि दाल में बहुत कुछ काला है और इस मोदी सरकार के जाने के लिए ही पूरे देश में माहौल बन रहा है। CBI जैसे संस्थान पे इस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्या संदेश जाता है? तो संदेश क्या है, इस सरकार ने RBI को ख़त्म कर दिया, CBI को ख़त्म कर रहे हैं, तमाम संस्थाओं को एक पार्टी की एक नेता की तानाशाही थोपने के लिए, एक विचारधारा को पूरे देश पर थोपने के लिए पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है। और इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि देश में ये जो अगला चुनाव होगा ये कोई सामान्य चुनाव नहीं होगा, ये चुनाव देश की आज़ादी के लिए होगा। तो सुन लिया आपने, ये दीपांकर भट्टाचार्य थे जो पटना में रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उससे पहले वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने भाजपा के बारे में बहुत कुछ कहा। इसके साथ ही साथ कहा कि केंद्र सरकार जो कि NDA की सरकार है देश में, वो अब रहने के काबिल नहीं है। आप लाइव सीरीज के साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। हमारे YouTube चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, इसके साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें।